रुकिए, अरे रुकिए, सुनिए, अरे रुकिए। हे, पागल हो गया है तू? पागल? हाँ, पागल तो तू हो गया है। बीवी को लाने के लिए कहा था, मुंबई बुलाया, लेकिन कहाँ आना ये बताया तूने? कूल डाउन। अरे तुझे तो मैंने मुंबई आने को कहा था। मुंबई तेरे ससुराल का घर है क्या? कहाँ आना उसका एड्रेस तो बता। आई ऑब्जेक्ट। बैठ जा, बैठ जा। अरे तुझे दिमाग है कि नहीं? बगल में नई नई बीवी बैठी है और तू ऐसी बातें कर रहा है। अरे आप ही समझाइए इसे। ये क्या बोलेगी? इसने तो मुझ पर फिदा होकर, मेरी स्टाइल देखकर, मेरी दीवानी होकर मुझसे शादी की है। हाँ ऐसा ही समझ लो। देखो भाभी, आपके पति ड्यूटी पर जो फील करते हैं, कार रेस में मैं भी ऐसा ही फील करता हूँ। मुझसे फास्ट कोई जा ही नहीं सकता। मैं ड्यूटी में ही नहीं, कार रेस में भी तुझसे आगे निकल सकता हूँ। चुपचाप बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी। मुझे चुप कराता है और खुद कोल्ड ड्रिंक पीता है। ए, मेरी बीवी के सामने मेरी ही खींच रहा है। ओके, वो पेप्सी का बोर्ड देख रहा है, वहां तक हम दोनों रेस लगाएंगे। अगर तू मुझसे आगे निकल गया तो लाइफ में कभी भी कार नहीं भगाऊंगा। चैलेंज, चैलेंज। डैडी, डैडी, प्लीज डैडी, मान लीजिए ना अंकल। चैलेंज, चैलेंज, देखते कौन जीते। कार की तो ऐसी की तैसी, पहली बार लाइफ में आ रहा हूँ, इसकी वजह से। क्या हुआ? तू जीत गया। देखता नहीं है वो डीजल कार है, ये पेट्रोल कार है। अगर पेट्रोल होती तो तेरी कार से 10 किलोमीटर आगे होता। हाँ ठीक है, इसे तू ले, वो मुझे दे, अब तो ठीक है। ओके, फिर हार गया तो मैं मरते दम तक कभी कार नहीं चलाऊंगा। सच कह रहा है ना? फिर से कह रहा हूँ, मरते दम तक मैं कभी कार नहीं चलाऊंगा। हाँ कोशिश कर रहा हूं। क्यों जी? हाँ। उसके क्यों इंसल्ट करने? अभी अभी तो शादी हुई है उनकी, बीवी के सामने जीत जाने दो ना। ओके। तेरी तो उनको आगे जाने दो। हेलो लिंगराजन। कौन? पहचाना नहीं? मैं धपत बोल रहा हूँ। तुम? मैंने तुम्हारी कार में बम फिट कर दिया है। What? चुप और सुन ले, तेरी सारी फैमिली जिंदगी के आखिरी पल जी रही है। No! Yes! तेरी लाइफ मेरी फिंगर टिप्स में है। सुरेश, जी, स्टॉप द कार, रुकिए प्लीज। सुरेश, कार में बम है। सुरेश, रुक जाओ। क्या? मैं ही दूंगा। सुरेश, Hey!
Oh!